चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म में। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फंडामेंटल का, वो आपको एक आइडिया देगा पार्टनरशिप फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे ओपन या क्लोज किया जाता है, या जैसे कि आज तक हम लोगों ने देखा था अपने बेसिक्स जो हम लोगों ने आज तक स्टडी की है उसमें हम लोगों ने देखा है कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। लेकिन आज हम लोग इसमें एक और नई चीज ऐड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देयर, और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर ट्रायल बैलेंस आर गिवन। Now, there is a question number one. Ayub and Amit are partners in Amrit Papers, sharing profit and losses equally. चलो, अच्छी बात है, इस question में हमको ये दिया हुआ है, Amrit, Ayub and Amrit, Amit, दोनों equal shares रखते हैं और उनका trial balance हमको दिया हुआ है। Trial balance में कौन कौन सी information दी है? Sales, 12,50,000, मैं समरी बना रहा हूं यहां पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न 10,000, क्रेडिटर्स 90,000, अयूब की कैपिटल एंड अमित की कैपिटल 4,00,000 एंड 3,85,000, ओपनिंग स्टॉक दैट इज 45,000, परचेजेस 7,60,000, सेल्स रिटर्न 25,000, सैलरी एंड वेजेस 1,80,000, रेंट 1,10,000, जनरल एक्सपेंसेस 35,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स स्किप हो गया 2,00,000, कंप्यूटर्स 2,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000, बैंक 75,000, कैश इन हैंड 25,000, ड्रॉइंग अयूब की एंड अमित की 60,000 एंड 50,000। कुछ नीचे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की दी हुई हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अच्छा, रेंट कहता है एक इंफॉर्मेशन 10,000 पर मंथ, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का दिया है 20%, इधर देखो इसका डेप्रिसिएशन कितना है, कंप्यूटर का 20%, हाँ या ना, और मशीन का 10%, यही तो दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, दैट्स इट। चलो भाई, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द क्वेश्चन पेपर, ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑन बोर्ड नाउ। सॉल्यूशन, हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या ट्रेडिंग अकाउंट इतना बड़ा बनता है अभी देखा है, ये बनेगा आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बनेगा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, बैलेंस शीट कितने बनेगी? टेन परसेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 एंड रेंट दिया है 10,000 पर मंथ, ठीक है ना, हमने यहां जगह है तो यहां पर एडजस्टमेंट्स लिख दी,
बैलेंस शीट यहां प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। 31 मार्च 19 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 बैलेंस शीट में एज ऑन होता है ना। चल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक 45,000 मालूम है, डेबिट का घर डेबिट होता है और क्रेडिट का परचेज डेबिट साइड में 7,60,000, लेकिन रिटर्न भी है परचेज रिटर्न, ये 10,000 माइनस कर दें 7,50,000। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, सेल्स क्रेडिट है बाय सेल्स, टू एंड बाय का आप लोग यूज करते रहेंगे, बाय सेल्स 12,50,000 एंड सेल्स रिटर्न 25,000। तो 12,25,000 बोलो। सैलरी है 180, सर आप तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे इनका तो कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें जाता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। रेंट हम यहां पर एक हिंट के तौर पर यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, व्हेन वी विल डू द एडजस्टमेंट ऑफ रेंट अंडर द पीएल अकाउंट एट दैट टाइम विल सी दैट। एंड द सेम वे क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। कितना कितना है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। देखो ना एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस की सारी इंफॉर्मेशन देने का मतलब है ईच एंड एवरी आइटम हैज गॉट डेबिटेड एज वेल एज क्रेडिटेड। नाउ इफ वी डू एनी ऑफ दीज एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस, जब हम इन एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में बनाएंगे तो हमको डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल डेबिट कर लिया, क्रेडिट कर दिया तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, तभी तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच रहेगा। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। जब हमें रेंट लिखना होगा तो हमें डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखना है, एक तो क्रेडिट साइड हो गया और अब डेबिट साइड कर देते हैं। ये है ना डेबिट साइड, बोलो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 आ गया। तो हमने तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ही खत्म कर दी, एक डेबिट उधर और क्रेडिट, इधर डेबिट और उधर क्रेडिट। चलो रेंट की बात करते हैं। तो रेंट आया, दिमाग की घंटी बजने लगी कि सर रेंट का आपने उधर लिखा है, तो एक काम करो अगर हर महीने 10,000 का रेंट था तो सलीना कितना होता है, ईयरली इट विल बिकम 1,20,000 व्हाइल अंडर द ट्रायल बैलेंस इट इज गिवन 1,10,000। हाउ इट मींस 10,000 हैज नॉट बीन पेड, इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट करेंगे। ये मालूम है या ये भी भूल गए हो, बोलो। साल भर में तो 1,20,000 आएगा ना, जो इस साल का खर्चा है इस साल लिखो, तो हम तो पूरे साल भर का बना रहे हैं। तो रेंट अगर साल भर का देंगे 10,000 के हिसाब से 12 महीने का इट बिकम्स 1,20,000, जबकि हमारा ट्रायल बैलेंस कह रहा है 1,10,000। कैसे, 1,20 होना चाहिए, 10 कम है इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग होगा। और एक नई इंफॉर्मेशन है, 10,000 आउटस्टैंडिंग है तो एक जगह डेबिट होगा और एक जगह क्रेडिट होगा। क्रेडिट कहां पर होगा, यहां पर होगा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, देना है तो वो मेरी लायबिलिटी है, यस और नो। तो हम लोगों ने रेंट का भी एडजस्टमेंट खलास कर दिया। अच्छा इसके बाद आते हैं जनरल एक्सपेंसेस 35,000 डेबिट को डेबिट में। फर्नीचर एसेट साइड है कितना 50,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%, तो सीधे सीधे 10,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन, बोलो ना, तो ये हो जाएगा 40,000। चलो सुनना, हमने एक नई चीज कर दी, यहां तो दिया था 50,000 वो लिख दिया 50,000, ये 20% नया कुछ शामिल किया है, तो एक जगह डेबिट होगा तो एक जगह क्रेडिट होगा, तो ये नहीं यहां पर लिख दिया और भूल जाए, ना 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 ना। अगर यहां पर लिखा है, यहां क्या किया है, डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस शीट का ये साइड कौन सा होता है, डेबिट होता है, लेकिन डेबिट में से माइनस करने का मतलब क्रेडिट हुआ, डेबिट में से माइनस करने का मतलब क्रेडिट है।
और अगर एक जगह क्रेडिट किया है तो अब एक जगह डेबिट में कहां लिखेंगे? पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? फर्नीचर का। कितना आया? 10,000। बोलो। तो एक जगह डेबिट और एक जगह डेटर्स एज इट इज रहेगा। हाउ मच? 2 लाख। कंप्यूटर कितना दिया हुआ है? 2,20,000। और इस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। तो 44,000 हो जाएगा ना। और तुमको मालूम है यहां अगर लिख दिया तो एक और जगह लिखना पड़ेगा। बोलो कितना आ गया माइनस करने पर? 176। पक्का? चलो, मशीन अभी बची हुई है। कितना है मशीन? 3 लाख। और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज डेटर्स नीचे कर देते हैं थोड़ा। कितना था डेटर्स? 2 लाख। मशीन में से डेप्रिसिएशन 10% जाएगा ना, 30,000 हो जाएगा। कितना बचा? 270। लेकिन साथ साथ ये 30,000 और भी कहीं ले जाएंगे डेप्रिसिएशन में। बोलो। अच्छा, फिर बैंक दिया है हमें, मालूम है वो तो एसेट होती है मेरी। अच्छा, फिर कैश भी दिया है 25,000, करंट एसेट होती है हमारी। अच्छा, ड्रॉइंग है, ठीक है छोड़ दो अभी। क्रेडिटर्स है 90,000, लायबिलिटी है हमारी। अयूब का कैपिटल। अच्छा, अब आते हैं इन लोगों की कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं इसको जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से नोट करें तो फिर थोड़ा हम आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम स्टार्ट करें। देखना एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया है, इनको छोड़ करके, इतने पॉइंट्स को छोड़ करके सारी चीजें अपनी जगह यूज कर ली। अच्छा सुनो, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होता है तो उसको हम लोग केवल डेबिट डेबिट और डेबिट साइड लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के जो भी क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट 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 और क्रेडिट साइड आते हैं, बस इतना याद रखना है। हमारा बचा क्या है, देखो ना, अयूब की कैपिटल, अमित की कैपिटल, अयूब की ड्रॉइंग, अमित की ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अयूब का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का, तो क्यों ना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। अरे बोल, बना लें कैसे वो भी देखा जाए, जो हम कर चुके हैं उसको मिटा दें यहां से। नहीं, अमित कुछ मिटा नहीं रहे, चिंता मत करो। तो ये कैपिटल है आपकी अयूब की 40,000। अच्छा सॉरी, 4 लाख। अमित की कैपिटल है 3,85,000, क्रेडिट साइड दे रखी है ना। बोलो, ड्रॉइंग दोनों की दे रखी है, अयूब 60,000 50,000। ये डेबिट साइड दे रखी थी ट्रायल बैलेंस के। चलो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो यहां 6%। कितना पर है? बस अब जरा हम प्रिपेयर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड होता है या क्रेडिट साइड नॉर्मली बैलेंस? बोलो, क्रेडिट साइड। देखो ना, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड लिख दो। कितना? 4 लाख और 3 लाख। क्रेडिट का घर हमेशा क्रेडिट होता है, मैं बार बार बोलता हूं। तो इफ एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अंडर क्रेडिट साइड, इट मींस दैट मस्ट ट्रांसफर थ्रू क्रेडिट। ओके, ड्रॉइंग डेबिट है तो यहां ड्रॉइंग लिख लो। बोलो, 60,000 and 50,000। हम लोगों ने ये सब कर लिया, बचा क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और पीएल एप्रोप्रिएशन से जाता है। यही तो देखा था हम लोगों ने, हमने यही तो देखा है बेसिक्स में अपने,
कि पीएल एप्रोप्रिएशन से भाई फर्म के लिए नुकसान है तो पीएल एप्रोप्रिएशन से कम होगा, हाँ पार्टनर्स को जा रहा है तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, लेकिन कैपिटल तो पार्टनर्स की बढ़ेगी ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जाएगा अयूब एंड अमित, लिखना नहीं है अभी, कितना परसेंटेज है 6% ऑन कैपिटल, और मैंने आपको बेसिक्स में ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इफ नो एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना होता है 24,000, अरे बोल, और 385 का 6% कितना होता है बता सकते हो, कितना आ रहा है देख लेना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखा, अब इनके कैपिटल को भी बढ़ाओ, प्रॉफिट को कम किए हो तो कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस कर दिया, एक जगह डेबिट किया और एक जगह साथ साथ, कुछ और बचा क्या, नहीं सर, सारा क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया, अब बुक्स को क्लोज करिए, क्या करिए, कोई इंफॉर्मेशन रह नहीं गई, तो अब एक काम करते हैं यहां से क्लोज करना शुरू करते हैं, इधर देखो सबसे पहले यहां आएगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, जानते हो ना कैसे आएगा, 12.25 12.75 होता है, अरे बोलना, 7 5 5 25 में से 45 गया 6.80 कितना आएगा, होप सो, कैलकुलेशन कर लेना, अब इसका ऐड कर लो 84,000 टोटल करो तो यहां क्या आएगा नेट प्रॉफिट, अरे बोल कितना आएगा, 6.80 माइनस करोगे तो 2,04,000 और 2,39,000, 5 लाख में से 2 लाख गया 3 लाख, 3 में से 39 गया आपका 2,61,000, 2,61,000 होप सो, ठीक है ना, इधर देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है कितना, अच्छा अब इसमें से ये माइनस कर लो, बचा कितना 13,900, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल, अरे बोलो ना, कैपिटल अकाउंट में ही तो जाता है प्रॉफिट, अयूब में जाएगा और अमित में जाएगा, अब 13,900 किस रेशियो में जाएगा, इक्वल तो डिवाइडेड बाई 2, 6950 इसके पास और 6950 इसके पास, पक्का ना, एक जगह डेबिट होता है तो एक जगह क्रेडिट होता है, 6950 ये भी तो पार्टनर्स में ही जाएगा, और पार्टनर्स में जो कुछ भी जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पता करो कितना आ गया, 4,24,6950 माइनस 60,000, 370,950, 385,000 प्लस 23,100 प्लस 6950 माइनस 50,000, देखो इधर, तो अब यहां लिखेंगे हम अयूब्स कैपिटल, बोलो कितना, 370,950, अमित्स कैपिटल 3,65,050, बस बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए ना, अगर मैच नहीं किया तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकता है, टोटल मिस्टेक हो, गलती नहीं होगी, हर चीज का डेबिट और क्रेडिट का हम लोगों ने ख्याल रखा है तो गलती होने की चांसेस ना है, टोटल मिस्टेक अगर होगी तो होगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं है।
यहाँ का टोटल आ गया 8,36,000। देखो ना टोटल मैच कर गया, एक ही बार में मैच कर गया, दोबारा टेंशन लेने की जरूरत वो इसलिए क्योंकि हर एक डेबिट के साथ हम लोगों ने साथ साथ क्रेडिट किया था। अगर हमने यहां पर कर दिया होता और मैंने कहा होता ठीक है बाद में बैलेंस शीट बनाते हुए देखेंगे 10,000, तो गलती होने की चांस रह सकती है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख दिया लेकिन इसको चलो बाद में देखेंगे, तो गलती होने की चांस हो सकती है। कैप जैसे ही कोई एक नया आइटम आ रहा था उसका हम डबल इफेक्ट ले रहे थे, तो इसी कारण गलती नहीं होगी। नोट करें, सर जब आप क्वेश्चन कर रहे थे ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। कहां कंफ्यूज हो रहे थे, आप यहां लिख रहे थे फिर इसको एडजस्ट कर रहे थे यहां पे, आप लिख रहे थे यहां पे फिर एडजस्ट कर रहे थे यहां पे, प्रॉफिट को तो आपको कैसे मालूम कि कोई चीज दो जगह जाती है या कोई चीज एक जगह जाती है। मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी डेबिट्स हैं वो डेबिट्स तब हुए होंगे जब इनका काउंटर पार्ट क्रेडिट कहीं ना कहीं हुआ होगा। कोई चीज क्रेडिट है तो इसका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं डेबिट बुक्स में हो गया होगा, आखिर बुक्स है वो बैलेंस ही तो ला रहे हो। और देखो ना ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, जब ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ का टैली करता है तो इसका मतलब हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हो चुका है। अब इन चीजों को दोबारा डेबिट क्रेडिट नहीं करना, वो हो करके ये आया है। तो अगर कोई यहां से डेबिट आइटम उठा रहे हैं तो कोई एक जगह जाएगा। देखो ना हमने ओपनिंग स्टॉक केवल एक जगह लिखा है, कहीं दो जगह नहीं लिखा हम, और डेबिट में लिखा है। डेबिट का घर डेबिट होता है, क्रेडिट का घर क्रेडिट होता है। चलो कोई भी आइटम उठा लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां लिखा बैलेंस शीट में, किस साइड, क्रेडिटर्स को यहां पे, और कौन सा साइड है ये, क्रेडिट साइड है, और ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, ये कौन सा साइड है, डेबिट, और ये सारे कौन से। एक काम करो सारे के सारे नेट प्रॉफिट हटा दो, जीपी हटा दो, ये ट्रांसफर टू कैपिटल हटा दो, और आप एक काम करो जितने डेबिट्स के सब टोटल करो, ये वाला डेबिट और ये वाला डेबिट मैच करेगा टोटल, ये वाला क्रेडिट, ये जीपी हटा देना, ये वाला क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट मैच करेगा आपका, वहीं पहुंच जाएंगे ट्रायल बैलेंस, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि डेबिट को डेबिट में लिखा और क्रेडिट को क्रेडिट में लिखा। अब जब नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट को जब हम एडजस्ट करते हैं तो अगर हम केवल एडजस्टमेंट को डेबिट साइड लिख दें तो मिसमैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड केवल लिख दें तो मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि नीचे की जितनी भी एडजस्टमेंट हो उनको टू साइड में एडजस्ट किया जाता है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, नीचे लिखा हुआ था, तो देखो ना हमने यहां डेबिट में लिखा है और देखो ना यहां पर हमने क्रेडिट साइड में एड किया हुआ है, अपने आप मैच कर गया। स्टॉक की बात करते हैं, देखो ना स्टॉक को हमने यहां क्रेडिट लिखा हुआ है और स्टॉक को हमने यहां पर डेबिट लिखा हुआ है, बोलो ना। अच्छा इसी तरह तुम्हारा डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का डेबिट में भी है और डेबिट से कम भी किया है, इसका मतलब क्रेडिट हुआ है। डेबिट साइड में भी है और डेबिट से कम किया है, इसका मतलब क्रेडिट है। डेबिट से कम डेबिट में लिखा है और डेबिट से कम करने का मतलब क्रेडिट साइड में लिखा है। और बस हो तो गया। रेंट 10,000 पर मंथ, हमने ये 10,000 पर मंथ, साल भर में रेंट 1,20 होना चाहिए था, 1,10 था, ये 10,000 और जोड़ा आउटस्टैंडिंग, तो केवल डेबिट साइड में ही नहीं जोड़ा क्रेडिट साइड में भी देखो ले आए। अब बात समझ में आई, तो हर एक डेबिट के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा अगर आउट मींस ट्रायल बैलेंस के बाहर का कोई आइटम आप एडजस्ट करने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर टू देखें, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018 विदाउट एनी डीड, नो डीड, और हम लोग को मालूम है डीड ना होने के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5,00,000 एंड 3,00,000 रेस्पेक्टिवली, उनकी कैपिटल है 5,00,000 और 3,00,000, ओके, ऑन 31st October ए ने लोन दिया है टू फर्म, 2,00,000 रुपए का नो डीड,
इसके लिए भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसे ही दे दिया 2 लाख, आपस में तो कोई डीड है ही नहीं, लोन भी ऐसे ही दे दिया, और पीएल अकाउंट कहता है इस साल का प्रॉफिट है 4,30,000, नेट प्रॉफिट कितना है 4,30,000, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपकी हम प्रॉब्लम दूर कर दिए देते हैं। हमको एक चीज याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन। और तो और, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई प्रोविजन डीड में नहीं लिखा है या किसी पार्टनर ने लोन दिया है और डीड नहीं है उसका, तो उस केस में वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। याद आया कुछ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब पीएल अकाउंट से निकलेगा। कहां से निकलेगा? चलो भाई, अब हम बात करते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, इफ नो डीड तो इसके ये कंसिक्वेंसेस होंगे। देखो कैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? 2 लाख का दिया है, 6% के हिसाब से, ओहो अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च तक का है 6 महीना, तो बताओ कितना आ जाएगा? 6,000। अरे बोलना, चलो 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करोगे? और मैंने कहा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्या होता है? इट मींस कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए अकाउंट डेबिट टू ए के लोन में जाकर के बढ़ जाएगा ना, ए का लोन उतने से बढ़ जाएगा। भाई तुमने हमको लोन दिया 2 लाख, इंटरेस्ट 1 साल बाद आओगी मांगने, मैंने नहीं दिया 10,000, तो अब क्या बोलोगी? अब कितना लोन हो गया? 2,10,000। वो इंटरेस्ट के पार्ट से भी लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, तो हमारा 6,000 लोन को बढ़ा देगा, आया ना? और तो और, ये ना पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? यही तो है बताया, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई डीड नहीं है तो, अगर डीड नहीं है तो मजबूरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए को हम कहां से ले जाएंगे? पीएल अकाउंट से। पक्का याद रखना पड़ेगा, ये भूल नहीं जाना। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? ये पीएल अकाउंट था और ये पीएल एप्रोप्रिएशन, पक्का ना? हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था 4,30,000, और अब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना है तो पीएल से करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन से नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए कितना? अच्छा, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना? 4,24,000। तो यहां ब्रॉट डाउन हो गया नेट प्रॉफिट, और इसको दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। कितने रेशियो से? किस रेशियो से? इक्वल। क्यों? क्योंकि डीड है ही नहीं। जब डीड नहीं होती तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, एज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीज कैपिटल, हाफ हाफ करके, हाफ हाफ करके नहीं, 2,12,000, 2,12,000। Is it clear? This is the way. और अगर कोई कहता है सर हमको ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दीजिए, तो पहले जर्नल एंट्री पूरी कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल उसके प्रॉफिट से, टू बीज कैपिटल उसके प्रॉफिट से, 2,12,000 और 2,12,000, साथ साथ नोट मत करना। और अगर हमसे कोई कहे कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिए,
इसी साल इन लोगों ने नई फर्म खोली थी ना, देखो ना नई नई फर्म है, 1 अप्रैल 2018 को, हाँ है ना। तो इन लोगों ने 1 अप्रैल 2018 को पैसे लगाए हैं, कितने कितने, 5 लाख एंड 3 लाख। ये ए और ये, अच्छा इसको चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ए को मिल चुका होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, कैपिटल अकाउंट से देखो ना, एंट्री में कहीं कोई कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, पीएल का बांट देंगे, कितना कितना हो गया क्लोजिंग बैलेंस बताओ, दैट्स इट। नोट करो जल्दी फिर आगे बढ़े, ना समझ में आया हो तुरंत पूछना। क्वेश्चन नंबर 3, अमन एंड वोमन ए एंड बी मैं लिख सकता हूं, 1:1 के शेयर में है, और जो बिजनेस चल रहा है ना इन पार्टनर्स का, वो अमन के प्रॉपर्टी में चल रहा है, किसके प्रॉपर्टी में, और अमन कहता हमको तो उसका रेंट चाहिए भाई, क्या चाहिए, तो दे दो 24,000 सालाना, और अमन कहता है हमको इसका सैलरी भी चाहिए, क्या चाहिए, 1,20,000 रुपए, और वोमन कहता है हमको ना कमीशन दे दो, कितना, 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स दिया है 30 लाख, 30 लाख का 5% कितना हुआ, 1,50,000, बोलो 30 लाख का 5% कितना हुआ, 1,50,000, और प्रॉफिट दिया है बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट कितना। अब सुनना ढंग से, क्वेश्चन को ढंग से सुनो, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, हम पहले जर्नल एंट्री तुम लोग को समझाते हैं। सबसे पहले तो ए को रेंट देना है, और जब ए को रेंट देना है तो हम एंट्री करेंगे रेंट टू ए अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट, हम कैसे मान लें कि पेमेंट हो गया, नहीं दिया है ना 24,000, और तो और हम हर एक को अलग अलग क्लियर करके चल रहे हैं, रेंट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन से निकालेंगे या पीएल से, पीएल से, पूछो क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस से क्या लेना देना, अगर ये प्रॉपर्टी हमने किसी दूसरी जगह ली होती किराए पर, दूसरे को रेंट दिया होता तो पीएल से ही तो जाता, पार्टनर को रेंट देंगे तो जबरदस्ती उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ना 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 ना, इसको तो इसका अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, अपना रेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये पीएल से चार्ज होगा ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन से, पीएल एप्रोप्रिएशन से केवल एप्रोप्रिएशन होता है। ये मान लो अगर ये प्रॉपर्टी ये नहीं देता तो किराया किसी न किसी को देना पड़ता, ठीक है ना। चल अब बात करते हैं सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट, बोनस सॉरी कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। अच्छा इतना तो समझ में आ गया सर, अब हमसे ये गलती नहीं होगी, पेमेंट तुरंत नहीं होगी, हाँ या ना, और 1,50,000 हमने दोनों मर्ज कर दिया, तुम लोग चाहो तो दोनों एंट्रीज अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हो ना,
और इसको पीएल से नहीं चार्ज करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को जा रहा है ना सैलरी टू ए एंड टू कमीशन टू बी, बोलते क्यों नहीं, एक 20 और एक 50, 270, पक्का हम लोगों ने ये सब कर लिया। प्रॉफिट कितना बचा हुआ था इन सारे एडजस्टमेंट्स के पहले, तो 5 लाख में से तो 24,000 निकल गया ना पीएल से, देखो ना कितना बचा, 476। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, एक काम करो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, उसी को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जो ऊपर लिखे हो। पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना था, 5 लाख, इसमें से कितना निकाले पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना निकला है, लिख दिया 24,000। अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन से सैलरी टू ए कितना निकला है, देखो ना लिखे हो ना यहां पर 1 लाख, और कमीशन टू बी कितना लिखे हो, अरे सारे ऐड सब चले गए, अब क्या करें, निकालो बैलेंसिंग फिगर, 2,60,000 कहां चला जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, और ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2 लाख। अब इस 260 में देखो 270 हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है, अरे 260 सॉरी 4,76,000 सॉरी, ठीक है ना, 4,76,000 में से माइनस 2,70,000 बचा कितना, 2,06,000, कितना बचा, बांट दो ना, एज कैपिटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में बटेगा, आधा और आधा, नहीं समझ में आई, अच्छा जी, तो एंट्री कर दे इसकी, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांट देना टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, 1,03,000 एंड 1,03,000, 2 लाख, कोई भी चीज जर्नल हुआ होगा तभी तो पोस्टिंग हुई होगी, तो जर्नल हुआ है तभी तो यहां गया, तो नोट कर लें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूं, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा, ढंग से सुने, मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लासिकल सेशन में। देखें क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2018 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डीड निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो पार्टनर्स कैपिटल में से निकलेगा यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में से, असीम को 10% कमीशन देना ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग टू सैलरी टू निहार, ओ ओ, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो हमें असीम को कमीशन देना है, निहार को सैलरी देना है, और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों में 3 और 2 का है, और इस साल 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया गया, आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में आपका जितना भी बचेगा वो खत्म हो जाएगा, और साथ साथ एक दो और नए क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।